सेल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में और फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम सबसे पहले बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी होती है, जीन फ्रिक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन की, वो चेंज हो जाती है। और ये बिल्कुल रैंडमली चेंज होती है, बिल्कुल सडनली चेंज होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में। समझो एक पार्क है, एक पार्क में एक एलिफेंट आ चुका है। वो पार्क में जो ग्राउंड है, ग्रासेस में बहुत सारी बीटल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर जब एलिफेंट जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका पैर बहुत सारी बीटल्स पे पड़ेगा और ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी बीटल्स जो है वो मर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, समझिए उस ग्रास पे चार पांच कलर की बीटल्स थी, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से बहुत सारे कलर्स की बीटल्स थी। अब बाय चांस ये जो एलिफेंट का पैर है ये सिर्फ तीन पे ही पड़ा और जो दो है वो बच गई, ऑरेंज और ब्लू जो है वो बच गई, बाकी के जितने भी बीटल्स हैं उन सबकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये जो वो बची हैं, जो दो बीटल्स बची हैं, क्या वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बची है या वो लकी है इसलिए वो बच गई? नेचुरल सिलेक्शन का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे क्यों वो बची? क्योंकि वो लकी थी, बाय चांस वो बची है। तो ये क्या होता है, बाय चांस होता है, बाय रैंडम प्रोसेस होता है। और किसकी वजह से हुआ, किसी कैलामिटी की वजह से हुआ। जैसे हमने यहाँ पे तो एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, फ्लड की वजह से, ड्रॉट की वजह से, किसी की भी वजह से, यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी की वजह से सडनली, ये बिल्कुल सडन प्रोसेस होता है, जैसे एलिफेंट आया सडनली। और रेंडम प्रोसेस होता है, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ये बाय लक पे डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे एक और बात की थी कि इससे क्या होता है, जेनेटिक फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है। जेनेटिक फ्रिक्वेंसी में चेंज आने का मतलब क्या है, समझिए यहाँ पर ये जो पांच बीटल्स थी, इन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अलील्स थे। किसी के पास कैपिटल ए, किसी के पास स्मॉल ए थे, किसी के पास कैपिटल ए स्मॉल ए थे, सबके पास डिफरेंट अलील्स थे। अब यहाँ पर ये जो दो बीटल्स बची हैं, इनके पास समझिए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी ना, पहले तीन थी अब दो हो गई है। समझे पहले के पास अगर चार पांच थी तो अब दो रह गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो चुकी है और वो भी पूरी रेंडमली चेंज हुई है। इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जेनेटिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक लार्ज पॉपुलेशन में होगा या फिर एक स्मॉल पॉपुलेशन में आपको ज्यादा से अच्छे से दिखेगा। समझे लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत सारी रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बहुत सारी बीटल्स प्रेजेंट है, तो लार्ज पॉपुलेशन में आपको इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा जितना आपको स्मॉल पॉपुलेशन में दिखेगा। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट होती तो हर पॉपुलेशन में, लेकिन ज्यादा अच्छे से आप किसमें देख सकते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें एलीलिक फ्रिक्वेंसी पूरी चेंज हो जाती है और ये नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है, और इसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं आता, ये सिर्फ बाय चांस होता है। अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखें तो ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी अलील जो कि बहुत लीथल अलील है, जो कि ऐसे आपको पॉपुलेशन में इतनी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उसके नंबर जो है बढ़ जाए। समझो स्मॉल ए जो पॉपुलेशन में थी बहुत कम थी, लेकिन अब स्मॉल ए सर्वाइव कर गई तो अपने बच्चे करेगी, तो हो सकता है ऐसा अलील जो कि हमारे लिए लीथल अलील हो, या ऐसा अलील जिससे डिजीज हो सकती है, वो अब इस पॉपुलेशन में बढ़ जाए। ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से हो सकता है। अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट देखें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट और एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट को हम किससे कंपेयर करते हैं, एक बॉटल से कंपेयर करते हैं जिसकी जो नेक है वो पतली सी है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे आपके पास एक बॉटल है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगी टॉफीज रखी हैं। अगर आपने उसको ऐसा टेढ़ा किया तो उसमें से कैसे दो कलर की निकल जाएगी, तीन कलर की टॉफीज निकल जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है कि जो तीन कलर की निकली वो क्या हो गई, वो बच गई, बाकी के जो सात कलर की थी वो क्या हो गई है, वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से मर चुकी है। ऐसा ही सेम यहाँ पे हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी हुआ था। आप देख सकते हैं कि सात या पांच जितने भी कलर की बीटल थी वो मर चुकी थी, लेकिन जो बची वो सर्वाइव हो गई। सिमिलरली इसको बॉटलनेक इफेक्ट से कंपेयर किया कि अगर आपके पास एक बॉटल है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज भरी हुई हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी के आने की वजह से सिर्फ कुछ ही स्पीशीज उसमें से निकल पाएंगी, और जो स्पीशीज वहां से निकलेंगी वो अपनी न्यू पॉपुलेशन बना लेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा जेनेटिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसी का एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट में क्या है, जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन में एक स्मॉल पॉपुलेशन और स्मॉल ग्रुप जो है वो निकल गया बाहर, उस पॉपुलेशन से स्मॉल ग्रुप जो है बाहर निकल गया और वो कहीं नई जगह जाके सेटल हो गया, और वह नई जगह जाके सेटल होने की वजह से उसमें वहां पे क्या होगा, चेंजेस आएंगे। उसमें चेंजेस आएंगे तो हो सकता है कि वो नई स्पीशीज भी बना ले और वहां पे नया जीनोटाइप आ जाए उसमें। तो यहाँ पर नई प्लेस पे जाके उनमें नया जीनोटाइप आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। किसकी वजह से आया, स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिन्होंने पहले पॉपुलेशन को छोड़ के वो नई जगह पे चले गए। इसकी वजह से भी क्या होगा, वंस अगेन जो जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, जो एलीलिक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है।
सो इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बॉटल नेक इफेक्ट होता है, फाउंडर्स इफेक्ट होता है। आई होप गाइस की लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।